अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप बख़ैर होंगे। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस, जिसे हम IAS कहते हैं। ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कंपटीशन एग्ज़ाम है, जिसे पास करने के बाद इंसान IAS ऑफिसर बन जाता है। तो इनके जो मुसन्निफ़ हैं वो अली अब्बास हुसैनी हैं। सबसे पहले मैं इनकी हालत ज़िंदगी पढ़ाऊँगी, फिर चैप्टर का खुलासा पढ़ाऊँगी, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। अगर आपको चैप्टर पढ़ना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूँगी। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखें, ताकि आपको एक एक सवालों के जवाब देना आसान हो जाए और आप अच्छी तरह अपने सबक को समझ पाएँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अब्बास हुसैनी, इनकी पैदाइश 1897 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 1969 में हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अब्बास हुसैनी उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ीपुर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम पटना में हुई, इलाहाबाद से BA और लखनऊ से MA की डिग्रियां हासिल की। LTD की सनद हासिल करने के बाद एक सरकारी स्कूल में उर्दू फारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए। अली अब्बास हुसैनी की पैदाइश कहाँ हुई? गाज़ीपुर में हुई, जो उत्तर प्रदेश में है, और इब्तदाई तालीम पटना में, और उन्होंने इलाहाबाद से BA किया और लखनऊ से MA किया। ये सब बात याद रखने की है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में आ जाता है। अली अब्बास हुसैनी ने शुरू में प्रेमचंद से मुतासिर होकर अफसाने लिखे। ऐसे अफसानों में गांव के मासूम और सादा लोह अफराद की खूबसूरत अक्कासी मिलती है। अली अब्बास हुसैनी ने जो शुरू में मतलब अफसाने लिखे हैं, वो प्रेमचंद से मुतासिर होकर उन्होंने अफसाना लिखा है, जिसमें गाँव के मासूम और सादा लोगों की कहानी है। बाद में इनके अफसाने में ऐसे किरदार नज़र आते हैं जो नफ्सियाती पेचीदगियों का शिकार हैं। और बाद में इन्होंने कैसे अफसाने लिखे जिसमें नफ्सियाती पेचीदगियाँ हैं? नफ्सियाती यानी इंसान के अंदर की जो हालत है, उसको जो अमल है, वो किस तरह से अपना काम करता है, किस तरह से अपने हालात पेश करता है, उन सब कहानी को उन्होंने लिखा है। अली अब्बास हुसैनी को इंसानी नफ्सियात पर अबूर हासिल है। वह किरदार की जहनी तहों को आहिस्ता आहिस्ता खोलते हैं, जिससे इसकी मुकम्मल शख्सियत सामने आ जाती है। इनके अफसानों में वाकयात की तवालत तो है, मगर प्लॉट में झोल नहीं पैदा होता। अली अब्बास हुसैनी के अफसानों की बड़ी खूबी उनकी ज़बान है। वो अरबी फारसी के अल्फाज से हतीलुल अमकान ग्रेस करते हैं। अली अब्बास हुसैनी के जो अफसाने में हैं, वो क्या करते हैं, उनकी ज़बान बहुत अच्छी है और वो अरबी और फारसी के अल्फाज उसमें नहीं घुसाते हैं, नहीं मतलब मिलाते हैं। कोशिश करते हैं कि अरबी और फारसी के अल्फाज नहीं आए उनके अफसाने और कहानी में। ICS, बासी फूल, मेला घूमने, कुछ हंसी नहीं, इनके अफसानों के मजमूए हैं। ये सब इनके अफसानों की किताबें हैं, मजमूए हैं, जिसमें कई कई अफसाने हैं। ICS है, बासी फूल, मेला घूमने, कुछ हंसी नहीं, इनके अफसानों के मजमूए हैं। उर्दू नावल की तारीख और तनकीद इनकी तनकीदी किताब है। आइए पढ़ते हैं। ये आपका चैप्टर है ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस, तो मैं इसका खुलासा आपको पढ़ा देती हूँ और इनके मशक़ी सवालों जवाब करा देती हूँ। ICS का खुलासा देखते हैं। अली अब्बास हुसैनी मशहूर अफसाना निगार हैं। उन्होंने प्रेमचंद की तरह गांव और देहात की ज़िंदगी और वहां के सीधे सादे लोगों पर अनगिनत अफसाने लिखे हैं। ICS भी एक ऐसा ही अफसाना है। इस अफसाने का हीरो वहीद एक छोटे गांव मोहम्मदपुर में पैदा हुआ। 12 साल गांव में रहने के बाद वह इलाहाबाद चला गया, जहाँ इसके दूर के अजीज रहते थे। इनकी कोई औलाद ना थी, इसलिए उन्होंने इसे आला तालीम दिलाई। वो MA करके ICS हो गया और उसे मज़ेद तालीम के लिए लंदन भेज दिया गया। वहीद 2 साल लंदन में रहा। इसी दौरान इसकी मुलाकात
ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली जहां आरा बेगम से हुई। वलीद ने कहा तालीम हासिल की, पहले तो वो एक छोटे से गांव का था, लेकिन 12 साल गांव में रहने के बाद वो इलाहाबाद चला गया और वहां उसके जो दूर के अजीज रहते थे उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसे आला तालीम दिलवाई और वो एमए करके आईसीएस हो गया और उसे मज़ेद तालीम के लिए लंदन भेज दिया गया। वही 2 साल लंदन में रहा। इसी दौरान इसकी मुलाकात ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली जहां आरा बेगम से हुई, जो रियासत महिदरपुर के रुकन खास साहेबजादा शहाबुद्दीन खां की बेटी थी। जहां आरा बेगम ने अपने वालिद को अपनी पसंद से आगाह किया, इनकी इजाज़त से लंदन ही में वहीद और जहां आरा बेगम की शादी हो गई। वहीद ने लंदन में ही शादी कर लिया जहां आरा बेगम से। अपनी तालीम मुकम्मल करके वहीद दुल्हन के साथ हिंदुस्तान वापस आ गया, मगर अपने गांव नहीं गया कि कहीं इसकी असलियत ना मालूम हो जाए कि वो देहात के एक मामूली घराने में पैदा हुआ है। वहीद दिल्ली में वायसराय के दफ्तर में अफसर मुकर्रर हो गया, तो इसने गांव खत भेजा कि मसरूफियत की बिना पर अभी घर वापस नहीं आ सकता, खर्चा भेजता रहूँगा और किसी को आने की ज़रूरत नहीं। अब वहीद को इस बात का डर था कि बेगम को कहीं ये नहीं पता चल जाए कि वो एक गरीब घर के और देहाती घर का लड़का है, इसलिए उसने अपने घर में क्या ख़त भेजा कि मैं खर्चा भेजता रहूँगा और यहाँ आने की किसी को ज़रूरत नहीं है। बूढ़ा बाप दिल महसूस कर और बूढ़ी माँ रो धोकर और भाभी खामोश रहे। वो जानते थे कि इनका घर इस काबिल नहीं कि कोई आईसीएस वापस आकर क़याम करे। वो इसे खूब समझते थे कि इनका झोंपड़ा किसी बेगम बहू को उतारने लायक नहीं। इस तरह जहां आरा बेगम ने ना अपनी ससुराल देखी, ना सास ससुर जेठ देवर से मिलने की नौबत आई, वही दिल्ली में बड़े बड़े आदमियों से मिलने जुलने वालियाँ ने मुल्क की पार्टियों, सिनेमा थिएटर और दूसरी ऐसी मसरूफियत में इस कदर मशगूल हो गया कि इसे अपने सगे अजीज़ों की ज़रा फिक्र नहीं रही। कुछ अरसा इस तरह गुजरा। एक बार वहीद की माँ ने बहू को ऐसा ख़त लिखा कि वो ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई और शहर से कुछ नाराज़ होकर ससुराल जाने की ख्वाहिश जाहिर की। वहीद बीवी के ये कैफियत देखकर परेशान हो गया, फौरन घर पैसे भेजे और ख़त में लिख दिया कि बाग के अहाते में बंगला नुमा फूस का झोंपड़ा डलवा कर इसमें कई कमरे बनवा दें। चंद दिन बाद वहीद बेगम के हमराह अपने घर रवाना हुआ। इसने देखा कि बेगम के साथ कई सूटकेस और 10-12 ट्रंक हैं। गाड़ी चली तो वहीद को बार बार ख्याल आता रहा कि खुदा जाने घर पर वालदैन ने बेगम के लायक कोई जगह हिदायत के मुताबिक बनवाई या नहीं। मोहम्मदपुर का स्टेशन आ गया तो वहीद ने बेगम से कहा कि यहाँ के रिवाज के मुताबिक पर्दा करना पड़ेगा, तो बेगम इसके लिए पहले से तैयार थीं। उन्होंने एक बुरका निकाल कर पहन लिया। वहीद अपने छोटे भाई के साथ बैलगाड़ी पर सवार होकर घर पहुँचा और बेगम के लिए पैनेस आई थी, इसमें सवार होकर रवाना किया गया। वालदान ने बहू का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया। वहीद ने रहने के लिए मकान देखा तो उसे ताज्जुब हुआ कि सब कुछ बहुत सलीके से किया गया है। शाम को सब अजीज व कारिब जमा हुए और बहू को मुंह दिखाई वगैरह पेश की गई। बहू ने भी खान मंगवा कर सास ससुर जेठ देवर भौज नंदों और देवर के लिए कपड़े रुमाल मोज़े अतर सेंट वगैरह पेश किए। वहीद सब कुछ खामोशी से देखता रहा और दिल ही दिल में खुश होता रहा। इसी दौरान हमीद ने शरारत की और वहीद छोटे भाई पर झपट पड़ा। हमीद दरख्त पर चढ़ गया तो वहीद भी इसके पीछे तेजी से चढ़ा। बेगम खामोश बैठी तमाशा देखती रही। एक तरफ बहुत से बांस कटे हुए पड़े थे। दोनों भाइयों ने मिलकर सोबे छिले बांसों को दूसरे हिस्से में मुंतकिल कर दिया। इस दौरान वहीद के कपड़े ख़राब हो गए थे। बाप के कहने पर वो कपड़े बदलने और नहाने के लिए गया। वो कुछ शर्मंदगी के साथ बेगम के कमरे में पहुंचा, तो देखा कि वो इसके ख़ास पसंद की साड़ी पहने खड़ी हैं। इसने डरते डरते कहा, बेगम इस माहौल और फिज़ा ने मुझे इंसानियत का जामा उतारने पर मजबूर कर दिया।
बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसानियत ना कहिए, आईसीएस का जामा कहिए। यानी वो आईसीएस बनकर अपने माजी से कतरा रहा था, लेकिन माजी कभी अलग नहीं किया जाता। सच है, पौधे एक जमीन से निकालकर दूसरी जमीन पर लगा देने से अपनी नवायत और जिंस नहीं बदल देते। कहने का मतलब यह है कि जब पौधे अगर आम का पौधा लगाया जाता है और उस जगह से आम के पेड़ को उखाड़कर अगर दूसरी जगह आम का पेड़ लगा दिया जाता है तो वो संतरे का पेड़ या सेब का पेड़ नहीं हो जाता, वो आम का ही पेड़ रहता है। इसीलिए कह रहे हैं कि पौधे एक जमीन से निकालकर दूसरी जमीन पर लगा देने से अपनी नवायत और जिंस नहीं बदल देते। मुश्किल सवाल है, सवाल और जवाब देखिए। आई सी एस बनने के बाद वहीद में क्या तब्दीली आई? तो जवाब लिखेंगे, आई सी एस बनने के बाद वहीद को मज़ीद तालीम और तजुर्बा हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान भेज दिया। वहाँ इसकी मुलाकात ऑक्सफोर्ड में पढ़ी हुई एक लड़की जहाँ आर्या बेगम से हुई, जो रियासत महीदरपुर के साहेब ज़ादा शहाबुद्दीन खां की बेटी थी। चुनांचा साहेब ज़ादा साहेब की इजाज़त और जहाँ आरा बेगम की पसंद पर वहीद से शादी हो गई। नई दुल्हन के साथ वहीद हिंदुस्तान वापस आया, मगर अपने गरीब और देहाती माँ बाप और दूसरे लोगों से मिलने नहीं गया, बल्कि अपने ससुराल रियासत महीदरपुर में रहा और घर भे खत भेज दिया कि मैं फिलहाल मकान में नहीं आ सकता, बराबर वालिद के लिए खर्च भेजता रहूँगा, किसी को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। अब वह अपने गरीब और देहाती वालदैन दिगर अजीज़ों से कतराता था। सवाल दो है, गांव पहुंचने से पहले वहीद की क्या कैफियत थी? जवाब लिखेंगे, वहीद सोचता था कि बहू के बेगम को उन देहातियों की बात पसंद आई या नहीं, या खुद उन लोगों को बेगम का बेपर्दा होना अच्छा ना लगे। वो सब पुराने ख्यालात के हैं, पुरानी रस्मों के पाबंद हैं। बेगम इंग्लिस्तान की पढ़ी हुई रोशन ख्याल खातून है, और फिर ये कि घर पर वालदैन ने बेगम के लायक कोई रहने की मुनासिब जगह भी बनाई है या नहीं, इन्हीं बातों को सोचकर वहीद की अजीब कैफियत थी। वहीद इस सोच में डूबा था कि अगर घर जाएंगे तो पता नहीं बेगम के रहने के लायक जगह है कि नहीं, और वहाँ के लोगों को बेगम का बेपर्दा होना, स्टाइलिश होना पसंद होगा कि नहीं। सवाल तीन है, पौधे एक ज़मीन से निकालकर दूसरी ज़मीन में लगा देने से अपनी नवयत और जिंस नहीं बदल देते, इस फकरे की वजाहत कीजिए। जवाब लिखेंगे, मुसन्निफ ने अफसाने की इब्तिदा में ये बात कही है जो आगे चलकर अफसाने के अहम किरदार वहीद के तौर तरीक़ों पर रोशनी डालती है कि नीम का पौधा कहीं भी लगाया जाए वो नीम ही रहेगा, गुलाब का फूल कहीं और लगाया जाए तो वो गेंदा नहीं बन सकता। इसी तरह जो शख्स जिस माहौल में परवरिश पाता है वह बदल नहीं सकता। वहीद आईसीएस होकर एक बड़ा अफसर बन गया था। आईसीएस होकर भी बचपन की बातें इसमें मौजूद थीं। इसलिए मुसन्निफ ने वहीद को एक पौधे की मानिंद बताया है जो एक ज़मीन से निकलकर दूसरी ज़मीन में लगा देने से अपनी नवयत नहीं बदल देते। सवाल नंबर चार है, बहू बेगम के किरदार की खूबियाँ बयान कीजिए। तो जवाब लिखेंगे, बहू बेगम आला ख़ानदान की ऑक्सफोर्ड में पढ़ी हुई औरत थी, लेकिन इनका जहन साफ था। वह इन अनपढ़ गैर शाइस्ता देहाती और तालीम याफ्ता शाइस्ता शहरी लोगों में इस तरह की तफरीक नहीं करती थी जिस तरह इस दौर में विलायत से वापस आकर लोगों का रवैया था कि वो अपने आप को सबसे बरतर समझते थे। उस ज़माने में क्या था, लोग जब इंग्लैंड से लंदन से आते थे तो वो अपने आप को बहुत बरतर समझते थे क्योंकि वो इंग्लिश फराटे से बोलते थे, उनके रहने सहने का तरीक़ा अलग था। लेकिन बहू बेगम ऐसी नहीं थी। बहू बेगम ने अपने शौहर के गांव जाने से पहले वहाँ के लोगों के लिए तहाइफ और दूसरे सामान का बंदोबस्त कर रखा था। यही नहीं, उन्होंने गाँव के माहौल के मुताबिक अपने लिए एक बुरका भी ले लिया था क्योंकि गांव के लोग बेपर्दगी पसंद नहीं करते। इनके जहन में ये बिल्कुल नहीं था कि वो एक बड़े बाप की बेटी और एक आईसीएस अफसर की बीवी हैं। इन बातों से बहू बेगम के आला किरदार और इनकी इंसानियत का पता चलता है।
ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब सारे सवाल जवाब अच्छी तरह पढ़ लें और समझ लें। फिर अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।